हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों शेखर ट्रिकी म्यूजिक में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड में वॉल्यूम पैडल एंड सस्टेन पैडल का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं वॉल्यूम पैडल एंड सस्टेन पैडल को कीबोर्ड में कनेक्ट कैसे करते हैं और इसकी पूरी सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये है सस्टेन पैडल जिसे हम वॉल्यूम पैडल भी कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था कि कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड में हम वॉल्यूम पैडल को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं और इसका यूज कैसे किया जाता है इस कीबोर्ड में। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सस्टेन पैडल का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं एक बार आपको पहले सस्टेन पैडल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि सस्टेन पैडल क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों इसे हम पैर के द्वारा नीचे रख के इसे प्रेस करते हैं तो इसकी वॉल्यूम हम सस्टेन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक स्विच दिया गया है जिसे आप इसे इस मोड में कर सकते हैं और इस मोड में कर सकते हैं। तो दोनों का यूज अलग अलग है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप इसे यूज कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप इसे जीरो पे करके कनेक्ट कर रहे हैं तो जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है सस्टेन आपने प्रेस किया हुआ है, और जैसे आप इसे छोड़ेंगे तो आपका सस्टेन हट जाता है। और दोस्तों जब इसे आप इसे वन पे स्विच कर देते हैं तो इसका ये उल्टा हो जाता है, आपने इसको ऐसे छोड़ा हुआ है तो यानी कि आपका सस्टेन कनेक्टेड है, और जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका सस्टेन डिसकनेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार इसे करके देखते हैं और देखते हैं कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड में सस्टेन पैडल को कैसे और कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। चलिए मैं आपको कीबोर्ड का पीछे का पार्ट्स दिखा देता हूँ जहाँ से आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड का बैक पैनल है और इसमें हम सस्टेन पैडल को कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार तरीके के पोर्ट दिखेंगे। ये दोस्तों ये हमारे सस्टेन पैडल का कनेक्टर है और इसे हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मोनो आउटपुट लीड कनेक्ट होती है, यहाँ से आप इसे आउटपुट ले सकते हैं। ये आपका चार्जर एडाप्टर लगा हुआ है, यहाँ से आप हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें ऑक्स केबल कनेक्ट होती है। और दोस्तों यहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है सस्टेन पैडल, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि कैसियो CTX 870 IN कीबोर्ड में सस्टेन पैडल एंड वॉल्यूम पैडल को कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लाइव कि यहाँ पे हम कीबोर्ड में सस्टेन पैडल को कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सस्टेन पैडल इसमें कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सस्टेन पैडल। चलिए दोस्तों डिस्प्ले में देखते हैं सस्टेन पैडल की और भी आगे की सेटिंग्स। दोस्तों सस्टेन पैडल कनेक्ट हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पर। तो दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पे दो स्विच दिए हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है चलिए एक बार करके देखते हैं। दोस्तों अभी मैंने इसे जीरो पे स्विच किया हुआ है, तो देखिए दोस्तों जैसे मैं इसको यहाँ से सस्टेन को होल्ड करूँगा, यहाँ से प्रेस करूँगा, उसके बाद बजाऊँगा तो ये कीबोर्ड सस्टेन में बजेगा, और जैसे मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये सस्टेन आउट हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक ऐसा टोन लिया है जिसमें ये सस्टेन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों जैसे मैं इसे होल्ड करता हूँ और कोई भी की प्रेस करूँगा तो ये उसे सस्टेन कर लेगा, और जैसे मैं इसे छोड़ता हूँ यहाँ से सस्टेन आपका डिसकनेक्ट हो जाता है। और दोस्तों अब इसे हम स्विच करते हैं इस वाले पे, हमने इसे वन पे स्विच कर दिया। अब दोस्तों जैसे अब इसे हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कोई भी की प्रेस करेंगे यहाँ से ऑटोमेटिक कनेक्टेड है ये। और दोस्तों जैसे ही इसे हम प्रेस करेंगे ये यहाँ से डिसकनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जो हमने पहले प्रोसेस किया था
उसी का उल्टा है हमारा ये दूसरा प्रोसेस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सस्टेन का स्विचिंग ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसकी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा देखते हैं सस्टेन पैडल के सेटिंग्स ऑप्शन में। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सस्टेन पैडल को कीबोर्ड में कनेक्ट किया और इसके स्विचिंग ऑप्शंस को क्लियर किया। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन बटन में क्लिक, यहाँ पे आप फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर 2 प्रेस करेंगे और यहाँ से आएंगे आप अदर वाले ऑप्शन पे। फिर इसके बाद आप 6 वाली बटन को प्रेस करके एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैडल यानी कि सस्टेन पैडल। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं आपको 4 टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको दूसरा मिलेगा सॉफ्ट नट और इसके आगे आप प्लस वाली बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सॉफ्ट और उसके आगे आपको देख सकते हैं रिदम कंट्रोलर। तो दोस्तों इस सस्टेन पैडल से आप 4 चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं इस कीबोर्ड में। चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो भी हमने किया था सस्टेन पैडल, तो वो सस्टेन के लिए काम करेगा। मैं यहाँ पे सस्टेन पैडल को प्रेस करता हूँ हाथ से और कीबोर्ड में कोई की प्रेस करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हमने जो किया सस्टेन पैडल ये वही वर्क कर रहा है, ये क्योंकि यहाँ पे 1 पे सस्टेन के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन करके देखते हैं सॉफ्ट नट का। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मैं किसी कॉर्ड को प्रेस करता हूँ और मुझे इसी कॉर्ड को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉर्ड को प्रेस करूँगा और जब वो कॉर्ड प्ले होता रहेगा उसके बाद मैं सस्टेन पैडल को यहाँ से प्रेस करूँगा, तो ये क्या करेगा, उसी वॉइस को यहाँ से उसको स्टॉप करके रखेगा। एक बार करके देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही वॉइस प्ले होती रहेगी जब तक कि हम इसे दोबारा से छोड़ नहीं देते हैं। तो ये है सॉफ्ट नट और इसके आगे हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन सॉफ्ट यानी कि अब दोस्तों इसके साथ प्रेस करके देखेंगे तो आपको कुछ सॉफ्टनेस सी फीलिंग आएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप इसे सॉफ्ट के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप इसे सॉफ्ट के लिए सेटिंग में सेट करके रख सकते हैं। और इसके आगे हम चौथा ऑप्शन देखेंगे रिदम। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका यूज़ ज़्यादातर लोग यूज करते हैं सस्टेन पैडल में। इसको यूज करने का मतलब है कि जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका रिदम ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा और जैसे दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका रिदम बंद हो जाएगा। एक बार करके देखते हैं। आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो आपका रिदम प्ले हो जाएगा, आप इसे दोबारा से प्रेस करेंगे तो आपका रिदम ऑफ हो जाएगा। आप फिर से देखेंगे एक बार। दोस्तों दोबारा प्रेस करने के बाद रिदम ऑफ हो गया। आप इसके साथ कीबोर्ड में सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सस्टेन पैडल एंड वॉल्यूम पैडल की पूरी सेटिंग्स। और दोस्तों इसे एक बार आप अपने कीबोर्ड में ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। और कैसियो CTX 870IN कीबोर्ड से रिलेटेड ऐसी सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और दोस्तों आप इस वीडियो पे कमेंट्स करके अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके पूछिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।